मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन बनाया जाएगा, इसे नए स्वरूप देंगे, ये मॉडर्न फैसिलिटी से लेस होगा। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को हुए पत्रकार समागम में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम की राशि 27% बढ़ा दी है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि देना कई पत्रकारों के लिए कठिनाई पैदा करेगा। बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने एमपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हास्यास्पद बात यह है कि यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से आप लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे तो वो कोई जवाब नहीं देंगे। गृह मंत्री पिक्चर के मामले में बहुत शौकीन है, मूवीज देखते हैं, हीरो हीरोइन के कपड़े देखते हैं। डीएमके नेताओं की तरफ से सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। ताज़ा टिप्पणी पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से एक सभा में सनातन धर्म को एचआईवी और कोड जैसा बता दिया। राजा के बयान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपमानजनक करार दिया। प्रधान ने कहा कि नाम बदलने से किसी का चरित्र और इरादा नहीं बदल जाता। देश में मानसूनी बारिश का दौर लौट आया है। अगस्त में लगा मानसूनी ब्रेक 3-4 सितंबर को हटा है। इसके बाद बीते 2 दिन से उन राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है जहां सूखा पड़ा हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 7 सितंबर और कल 8 सितंबर देश के 19 राज्यों में जोरदार बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन यानी 9 और 10 सितंबर को भी 14 राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा कि भाजपा सरकार नीच है, वो गरीबों की दुश्मन है, वो सिर्फ पूंजीपतियों का समर्थन करती है। उन्होंने हमें लास्ट मिनट पर 5 किलो चावल देने से इनकार कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने अन्य भाग्य योजना के तहत हर लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलो चावल की आपूर्ति करने के लिए केंद्र से चावल की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 7 सितंबर को सीएम ममता बनर्जी को राजभवन में गेस्ट के रूप में विरोध प्रदर्शन करने के लिए इनवाइट किया। दरअसल ममता बनर्जी ने गवर्नर पर विधानसभा से पारित बिलों को रोकने का आरोप लगाया। सीएम ने इसके विरोध में राजभवन के बाहर धरना देने की धमकी दी। इसके बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रतिक्रिया आई है। WHO ने दुनिया भर में कोरोना के केस और वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़ने की पुष्टि की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए सभी देशों से COVID-19 से जुड़ा पूरा डेटा शेयर करने की अपील की है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि यूरोप में कोरोना की वजह से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस्लामिक देशों की संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का एक डेलीगेशन इन दिनों काबुल में है। OIC मेंबर्स अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर वुमेन एजुकेशन शुरू करने का दबाव डाल रहा है। दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत ने OIC के मेंबर कंट्रीज से कहा कि इन्हें इस मामले में सब्र से काम लेना चाहिए। अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन ने हाल ही में एक एड शूट में साथ काम किया। इस बात की जानकारी खुद बिग बी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो के जरिए दी। वीडियो के अलावा अमिताभ ने गुरुवार सुबह 4 बजे अपना लेटेस्ट ब्लॉग शेयर किया। ब्लॉग में उन्होंने फैंस को जन्माष्टमी की बधाइयाँ दी और पत्नी जया के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी बताया। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में नई चुनेगा स्पिनर युजवेंद्र चहल काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे। उन्होंने कैंट के साथ करार किया, वो नॉटिंघमशायर और लंकाशायर के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं समरसेट के खिलाफ अवे मैच के लिए भी टीम के साथ रहेंगे। काउंटी क्लब कैंट की ओर से जारी बयान में युजवेंद्र चहल ने कहा कि इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेलना मेरे लिए एक रोमांचक चुनौती है और मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ।